अगर आप लोग बाइक या फिर स्कूटी चलाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया है, और इस ऑर्डर में क्या कहा गया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑर्डर जो है 15 फरवरी को जारी किया गया है, और इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो है मैंडेटरी, यानी कि ज़रूरी अनिवार्य है। अब इस ऑर्डर में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। 15 फरवरी 2022 को ये ऑर्डर निकला है, और रूल नंबर 138 CMVR को अमेंड किया गया है, और 1989 के हिसाब से सेफ्टी मेजर को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं और 4 साल से कम के बच्चे को आप अपने साथ में लेकर घूम रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी बन जाती है कि अगर आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं और 4 साल से कम का बच्चा आपके साथ पीछे बैठा हुआ है, आप उसको कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो अब उसके लिए भी आपको एक क्रैश हेलमेट जो है वो साथ में रखना पड़ेगा। ये जानकारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की तरफ से जो है वो दी गई है, और ये कहा गया है कि अब जो रूल है उसको अमेंड किया गया है, और उसके चलते आपको मैं ये बता दूं कि सेक्शन 129 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट जो है 129 उसके तहत जो है अब 4 साल से कम का कोई भी बच्चा अगर आप उसको बाइक या स्कूटी पर जो है वो ट्रैवल करवाते हैं तो क्रैश हेलमेट आपको साथ में रखना अनिवार्य है उस बच्चे के लिए, और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है, और स्पीड भी तय कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे की सेफ्टी का ध्यान तो रखा लेकिन स्पीड आप 60 या 80 की स्पीड से बाइक चलाएंगे या स्कूटी चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्पीड है उसको 40 कर दिया गया है, यानी कि आप 40 की स्पीड से ही बाइक या फिर स्कूटी जो है वो चला पाएंगे या चला सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये ऑर्डर जो है वो 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा। 15 फरवरी 2022 में ये इस एक्ट को अमेंड किया गया है, और एक साल लिया है केंद्र सरकार ने, एक साल लिया है इसको लागू करने के लिए, इसलिए 15 फरवरी 2023 में ये एक्ट जो है ये लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, आसान भाषा में कहूं तो दो पहिया गाड़ी अगर आप चला रहे हैं और 4 साल से नीचे का बच्चा आपके साथ में बैठा हुआ है, चाहे वो पीछे बैठा है या फिर आपने उसको आगे बिठा के रखा हुआ है, एक क्रैश हेलमेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको इम्पैक्ट करने के लिए जो है वो एक साल का समय लिया है केंद्र सरकार ने। 15 फरवरी 2022 को ये ऑर्डर आया है, और 15 फरवरी 2023 को इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्ट अब जिसमें अमेंड आई है, यानी कि अमेंडमेंट हुआ है, ये खासकर ये देखा गया है कि जब भी बच्चों को बाइक या स्कूटी पर बिठाकर कोई भी शख्स लेके जाता है तो कोई भी किसी भी प्रकार का सेफ्टी मेजर जो है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उस पर हेलमेट नहीं लगी होती है, जिससे अगर कहीं पर भी सड़क दुर्घटना होती है तो बच्चे की जान को खतरा बन सकता है। तो इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हुई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देख रहे हैं अली बोस, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।